नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। हम भी यहाँ सही हैं ईश्वर की कृपा से। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी थी और ऊपर से बड़े बेटे राजेश का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो उसमें भी थोड़ा बिजी हो गई तो मैं नहीं ध्यान दे पाई। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताओ, आप लोग बताओ क्या, मैं आपको बताती हूँ, एक गुड न्यूज़ है। मैंने लास्ट जो लास्ट वीक एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर विन किया था, दैट वॉज ऑनलाइन कुकिंग कॉम्पिटिशन, मशरूम्स के लिए था। मैंने उसकी वीडियो भी डाली है मेरे दूसरे चैनल पर। आपने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो जाओ मेरे उस चैनल पर, चेक करो आप। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो मेरी कितनी एडवेंचरस जर्नी थी जब मुझे अपना प्राइज अमाउंट लेने के लिए जाना था। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। ओके, सो अच्छा, ये रुद्रा है, ये सोना बच्चा है, ये घर का सबसे छोटा बच्चा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल से, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कूल फीस के बारे में, जिसकी काफ़ी डिमांड थी। स्कूल फीस में स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ इंडियन स्कूल की, दैट इज़ कॉल्ड ILS। ILS नाम है उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म है इंडियन लैंग्वेज स्कूल। ये स्कूल एलोपीजो में है, एलोपीजो मेन लैंड में है, और एलोपीजो एक ऐसा एरिया है जहाँ 70% ऑफ इंडियंस ही रहते हैं, और मैक्सिमम इंडियन बच्चे वहीं जाते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ इन अ लेमैन लैंग्वेज, सो एक पर्टिकुलर CBSE स्कूल जो होता है वो है इंडियन लैंग्वेज स्कूल लेगोस में, ILS, जो कि मेन लैंड में। दो और इंडियन स्कूल हैं VI में और लेकी में, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंडियन स्कूल की, ILS की। तो चलिए फिर फीस के बारे में जानते हैं। फीस मैं यहाँ पे ले रही हूँ न्यू एडमिशन के क्राइटेरिया के हिसाब से, बिकॉज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यू एडमिशन के रिगार्डिंग ही। सो जो इंडियन स्कूल में फ़ीस है वो न्यू एडमिशन के लिए, पहले जब आप जाते हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन देना होता है, वो है 50,000 नायरा। फिर आपकी आती है एडमिशन फ़ीस, वो है 60,000 नायरा। फिर है आपकी डेवलपमेंट लिवाई फ़ीस, वो है 100,000 नायरा, दैट इज़ 1,00,000 नायरा। अब चलिए बात करते हैं बच्चों के ग्रेड के हिसाब से उनकी फीस के बारे में। नाउ अब ये स्कूल वैसे 12th स्टैंडर्ड तक है, KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक है, और इसमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देने का भी ऑप्शन है। आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हो। यूजुअली क्या मैं कहूँ, मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज, अब हमारी कंपनी तो कुछ अलग ही है तो उसकी बात ही आप छोड़ दो, लेकिन नॉर्मली हर कंपनीज देती हैं इंडियन स्कूल की फ़ीस। स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज जो होती हैं वो इंडियन स्कूल की फ़ीस दे देती हैं। और अगर आपको एक पूरा ब्रॉचर चाहिए इस फीस ब्रेकडाउन का, इंस्टॉलमेंट में आपको कैसे देना है और अदर चार्जेस क्या हैं, तो आप हमें मेल करिए। और मेरा एक इंस्टाग्राम भी है इसी यूट्यूब के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरा एक ब्रॉचर भेज दूँगी। तो चलिए जानते हैं फ़ीस के बारे में। जो KG से 5th तक की फ़ीस है, मैं ये फुल इंस्टॉलमेंट बता रही हूँ आपको, वन टाइम पेमेंट वाली, वो है आपकी नायरा में 2,09,000 नायरा। अब फीस है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक की, वो नायरा में है आपकी 2,33,000 नायरा। फिर है फीस आपकी 9th से लेकर 10th तक की, उसकी फ़ीस है आपकी 2,93,000। फिर ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 12 तक की, जिसमें कि साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम है, उसकी फ़ीस है 4,38,000। अच्छा, अब जो बाकी के दो स्कूल जो मैंने आपको बताया, जो इंडियन स्कूल है VI और लेकी में, जिसमें कि लेकी में, लेकी वाले स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, वो बेसिकली मैं आपको कहूँ तो वो 12th तक नहीं है, पहली बात, वो 5th तक है या बस उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, जब आप इसे TC निकालते हो तो यू कैन नॉट जस्ट टेक आउट द TC और आप चले गए, जैसे आप नॉर्मली CBSE स्कूल में करते हो। लेकिन यहाँ से TC निकालने के टाइम पे आपको जो VI और लेकी के स्कूल हैं, क्योंकि वो रिकग्नाइज्ड हैं, वो एफिलेटेड, वो प्रॉपर CBSE स्कूल नहीं है, तो उनसे जब आप TC निकालोगे तो उसको आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी से, टू मेक इट ऑथराइज कि हाँ आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता था। ILS से अगर आप TC निकाल रहे हो तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपने TC निकाली स्ट्रेट अवे आपको जहाँ भी डालना आप डाल सकते हो। सेकेंडली, जो VI और लेकी में इंडियन स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस इतनी नहीं है, उनकी फ़ीस ILS की फ़ीस से ज़्यादा है। नो मैटर, इनके ग्रेड्स भी कम है, 5th तक ही हैं, बट स्टिल इनकी फ़ीस ज़्यादा है। मैं अगर फ़ीस की बात बोलूँ, नॉर्मली जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे फ़ीस अराउंड 6 लाख की पड़ती है पर ईयर इंडियन सेक्शन की। और जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं या अदर
करिकुलम अपार्ट फ्रॉम इंडिया, उनकी फीस तो काफ़ी ही एक्सपेंसिव है। सो उम्मीद करती हूँ आज ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प होगी। और मेरे दूसरे चैनल अटायर्ड ममा स्मॉल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ वो वीडियो ज़रूर देखें कि मैंने वो कुकिंग कंपटीशन कैसे जीता, क्या किया। और मैंने एक इंस्टाग्राम भी बनाया है इसी यूट्यूब चैनल के लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डू फॉलो मी देयर, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।